फ्रेंड, आज की इस वीडियो पार्ट में सीखेंगे टैली से बारकोड जनरेट किस तरह से करते हैं, हाउ टू जनरेट बारकोड इन tally.erp9, टैली से बारकोड जनरेट किस तरह से होगी और इसकी पूरी एंट्री किस तरह से करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फ्रेंड, हमें सबसे पहले बारकोड जनरेट करना होता है फर्स्ट। सेकंड, हमें उस बारकोड को अपने लेबल पे लगाना होता है जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर। एंड देन हमें स्कैन करना होता है अपने स्कैनर गन से, ताकि वो प्रोडक्ट मुझे आइडेंटिफाई करके बता दे कि मैंने किस किस पार्टी से किस किस रेट पे किस किस प्राइस में वो गुड्स परचेस किए। फ्रेंड्स, हम सेम गुड्स डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से परचेस करते हैं, तो इसलिए हमें बारकोड का यूज़ करना पड़ता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे टैली पे किस तरह से एंट्री करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे एक पार्टी से मैं परचेस कर रहा हूँ जो एलके गारमेंट्स है। एलके गारमेंट्स से मैं कुछ गुड्स परचेस कर रहा हूँ, तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी। मैं यहाँ पे परचेस एंट्री लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे देखिए, मैंने परचेस जो हमारा पार्टी है एलके गारमेंट, मैंने यहाँ पे उसका कोड डाल दिया है ताकि मुझे ये लेबल पे दिखाए, ताकि मुझे पता चल पाए कि किस पार्टी का क्या कोड है आइडेंटिफाई के लिए। मैं यहाँ पे साड़ी ले रहा हूँ। साड़ी में क्वांटिटी जो हमारा साड़ी जो मैंने परचेस किया है, मैं फाइव जो हमारा रेट हुआ है परचेस का यहाँ 550, और यहाँ पे मेरा MRP जो सेलिंग रेट होगा मैं यहाँ पे उसे सेलिंग रेट भी दे दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी लिया, तो 5 क्वांटिटी मुझे ये 5 बारकोड जनरेट होगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हमारे यहाँ 5 बारकोड जनरेट हो चुके हैं। अभी मैं सेम पार्टी से दूसरे साड़ी दूसरे रेट पे परचेस कर रहा हूँ इसी को, तो मैं यहाँ पे फिर से साड़ी वाले आइटम लूँगा। अभी मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और मैं इसी साड़ी को मैं दूसरे रेट में परचेस कर रहा हूँ, और जो हमारा सेलिंग रेट प्राइस होगा वो मेरा 750 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 2 बारकोड जनरेट हो गया, क्योंकि मैंने 2 क्वांटिटी परचेस की है डिफरेंट रेट से। तो एंटर करते हुए इसे भी मैं सेव कर लूँगा, और ये हमारा टैक्सेबल आइटम है, तो CGST SGST लगाते हुए मैं इसे सेव कर लूँगा जी। अभी हमने 7 पीस साड़ी एलके गारमेंट से खरीदी है। चलिए मैं आपको स्टॉक में चल के दिखा देता हूँ कि ये हमारे स्टॉक पे भी आ चुके हैं साड़ी जो हमने परचेस किए। अभी ये जो परचेस किए हुए साड़ी को मैं बारकोड जनरेट करनी है, तो बारकोड जनरेट करने के लिए सिंपली आपको टैली पे वापस उसी एंट्री को ओपन करेंगे एलके गारमेंट्स की, और यहाँ पे राइट साइड पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा बारकोड का, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ बारकोड जनरेट करना है, तो सिंपली आप जनरेट करने के लिए बारकोड जनरेट बारकोड पे यस कीजिए। यस करने के बाद सिंपली आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे प्रिंट दे दीजिए, ये आपके बारकोड जनरेट होकर स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। फैशन मार्ट, फैशन इंडिया मार्ट जो हमारी कंपनी का नाम है, जो हमारा साड़ी या प्रोडक्ट हो गया, MRP हमने जो पॉइंट रखा था वो MRP और सारे डिटेल्स यहाँ पे आ गए हैं। इसे हमें प्रिंट करना है, और इसे पीस पे प्रिंट करके मुझे अपने लेबल पे लगाना होता है, तो सिंपली हम इसे प्रिंट दे देंगे यहाँ से। आपका जितने भी मैंने जनरेट किए थे सारे यहाँ पे आ गए, और इसे आप प्रिंट दे सकते हैं यहाँ पे, और प्रिंट देने के बाद ये आप इसे लेबल पे लगा देंगे। नेक्स्ट, ये लेबल पे लग जाने के बाद हम जब इसे सेलिंग के लिए जाएंगे तो सेल किस तरह से होगी ये चल के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सेल्स एंट्री पे जाता हूँ और यहाँ पे सेल्स लेता हूँ। फ्रेंड, मैं इसे मिस्टर श्यामलाल को सेल कर रहा हूँ, तो श्यामलाल का मैं यहाँ पे लेज़र ले लिया, और ये ऑप्शन आपको बार डिफ़ॉल्ट टैली पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुझे स्कैन करना होगा जो प्रोडक्ट हमने बारकोड लेबल पे लगाए, तो मैंने यहाँ पे स्कैन कर लिया, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। इंटर करते हुए मुझे वो दिखा देगा कि ये बारकोड जो साड़ी था हमारा वो 1200 के प्राइस से था। अभी मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट लेता हूँ, जो ये नेक्स्ट बारकोड दूसरे बारकोड है। अभी ये डिफरेंट रेट से वो मुझे दिखा देगा, क्योंकि ये बारकोड अलग है अलग रेट से। इंटर करते हुए मैं इसे सेव कर लूँगा। फ्रेंड, अगर आप पॉज बिलिंग करते हैं तो पॉज बिलिंग पे भी आप इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पॉज बिलिंग किस तरह से होगी टैली पे, और पॉज बिलिंग से भी आप इसे बारकोड अपना लेबल स्कैन कर सकते हैं। इंटर करते हुए मैं फिर से यहाँ पे स्कैन करूँगा। मैं यहाँ पे दूसरा बारकोड रख रहा हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दूसरे बारकोड रखा, और जो मेरा बारकोड होगा मैं यहाँ पे मैन्युअली फील्ड इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल पाए कि बारकोड जनरेट किस तरह से हो रही है। जिस तरह से आप स्कैन करेंगे वो ऑटो डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करके आपको दिखा देगा कि आपने किस तरह से किस पार्टी से क्या क्या परचेस किए हैं, ठीक है। बारकोड लेवल पे ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, और सिंपली इसे एक्सेप्ट करते हुए इसे आप बिलिंग पास कर सकते हैं। फ्रेंड,
ये आपका बिलिंग हो गया जिसे हमें पॉज बिलिंग करते हैं। इस तरह से आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं, बारकोड जनरेट करने के बाद उसे बिलिंग कर सकते हैं। डिफरेंट आप पॉज सेल्स भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेल्स पे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं फ्रेंड। दोनों का प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने है। इस तरह से आप अपना टैली पे बारकोड जनरेट कर सकते हैं और इसे प्रिंट दे सकते हैं, दोनों पॉज सेल्स में और सेल्स में, दोनों में प्रिंट हो जाएगी आपका। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।